के प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि कैसे R5M से हम लोगों ने RS लगाई थी, जिसमें NS का स्प्रॉकेट लगा है, तो उससे टॉप एंड काफी बढ़ गया। ऑल्दो पिकअप थोड़ा सा कम होगा बट टॉप एंड बढ़ा। अब इस टाइम मैं अपनी R5 से ट्राई करने वाला हूँ, यही ट्रैक सेम रिपीट करूंगा। लेट सी वो परफॉर्मेंस मिलेगी कि नहीं। एक्सपेक्टेशन मुझे अपनी बहुत है R5 से, और अभी सर्विस भी करानी है। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं कि कितना तक ये भागेगी। अगर मैं BHP में बताऊं तो वो 24 BHP है, ये 19 BHP की है। BS4 वेरिएंट है मेरी R5 का, एंड वो 199 CC, ये 155 CC है। बाकी हम लोग एक बार ड्रैग टॉप एंड देखते हैं इसका, सॉरी टॉप एंड देखते हैं कि विन करेगी कि नहीं R5 मेरी। लेट्स सी क्या होगा। मुझे अब RS में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट स्टिल मैं ट्राई करूंगा, देखते हैं क्या होगा, मज़ा काफ़ी आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इतना सा गैप था मेरे आपके बीच में। इतना सा गैप, थोड़ा सा और रास्ता होता मैं कवर कर देता। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। इतना सा भी गैप, अगर थोड़ा सा रास्ता और होता मैं इतना गैप कवर कर लेता। इस बार देखना, बट टायर और थोड़े बदलवा लेना, सब हो जाएगा। हाँ हमको भी कराना पड़ेगा, हम एंटी लगवा देंगे। हम एंटी का स्प्रॉकेट लगवा देंगे। अरे हम स्टॉक रखेंगे, स्टॉक में ही दम है। चलो चलते हैं फिर, यहाँ हारते हुए अब एक बार ट्राई करते हैं जीतते हुए RS से। चलो बहुत टक्कर गिर रही, बहुत टक्कर गिर रही। एक पल के लिए लगा R15 निकल गई, बट स्टिल RS ने नहीं आगे निकलने दिया। सो एक पल के लगा R15 निकल जाएगी, बट एक पल के लिए RS बहुत निकली। बीच में एक पल के लिए टक्कर भी अच्छी खासी हुई, बट स्टिल R15 हार गए। रिजल्ट सामने है,
अगर आपके अंदर इतनी धनराशि एनएस की स्प्रॉकेट आप लगा लो तो आरएस में परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो ये थोड़ा परफॉर्मेंस काफी सही निकला। सो यहाँ से हम लोग वीडियो एंड करते हैं। तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलिए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।